हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्रिसमस ट्री का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही इजी है। इस डिज़ाइन से आप कुशन कवर, बेडशीट या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। बनाने से पहले अगर आपको ये मेरे डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं। मैंने ये व्हाइट और ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है, कपड़ा कॉटन का है। तो ये चार पीस हैं, ये भी चार पीस है। मेजरमेंट में ये 3 इंच है, यहाँ से भी 3 इंच है, ये भी 3x3 इंच के ब्लॉक्स हैं। इन पीसेस के हमें हाफ ट्रायंगल बनाने हैं। चारों ग्रीन पीस इस तरह से रख लिए। अब ये व्हाइट भी इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इस तरह रखने के बाद हमें मार्किंग करनी है। ये कॉर्नर है, यहाँ से लाइन लगा लेंगे और जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना हमें यहाँ से लाइन लगा लेनी है। दूसरी साइड में भी इसी के बराबर इस तरह लाइन लगा लेनी है। इसी तरह मार्किंग सारे पीसेस पे कर लेनी है। मार्किंग कर दी है, अब सिलाई करनी है। तो ये साइड की लाइन है, यहाँ पर सिलाई करनी है सारे पीसेस पर। सिलाई लगने के बाद यहाँ से सेंटर से कटिंग कर लेनी है, बाकी पीस भी इसी तरह कट कर लेंगे। इसके बाद इस पीस को इस तरह से खोलना है और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। प्रेस कर दी है। प्रेस करने के बाद ये कॉर्नर है, इसे हमें कट करके बराबर कर लेना है सारे पीसेस में से। ये 8 पीस बन के रेडी हो गए हैं। इसके बाद एक पीस लेंगे इस पीस का। ये पीस है जितना बन के रेडी हुआ है, ये पीस है ग्रीन, इतने लेने हैं। तो ये मैंने 6 पीस लिए हैं, इसके बराबर लेने हैं, 6 पीस हैं। इन पीसेस को सेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पीस लेने हैं और इस डायरेक्शन में ऐसे रखने हैं। दोनों पीस इस तरह से रखेंगे। इसके बाद ये प्लेन पीस है, ये हमें इस तरह से, ये सेंटर इसका आना चाहिए, ऐसे रखेंगे। और ये पीस है, इसे हमें इस तरह से यहाँ पे लगा देना है ऐसे। और ये दूसरा पीस है, ये भी इस तरह से लगेगा। और तीसरी लाइन में ये 2 पीस लगने हैं, ये भी इसके सेंटर में ऐसे आएगा इस तरह से। दोनों का सेंटर लेके जब हम सिलेंगे तब उसका सेंटर करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे ऐसे रखेंगे, यहाँ सेंटर आ गया है। और इसके बाद ये पीस है, यहाँ पे लगाना है और ये पीस इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। इसके बाद चौथी लाइन आएगी, तो ये भी ये दोनों के इस सेंटर आना चाहिए इस तरह से। ये ऐसे लगाया, ये 3 पीस यहाँ पर लगेंगे। ये 2 हाफ ट्रायंगल हैं, ये इस तरह से यहाँ पर लगेंगे। ये मैंने 4 लाइनें लगाई हैं, यहाँ पे 5-6 जितनी लगानी लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टेम लगाएंगे। तो स्टेम के लिए ये मैंने ये पीस लिया है, ये हमारा है 2.5 इंच। तो यहाँ इसका ये सेंटर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। उसके बाद ये 2.5 इंच की बाइट स्ट्रिप्स है, ये हमारी यहाँ पर आएगी, ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। 2 पीस है, इनको सिलेंगे इस पीस के साथ और ये इसके साथ। ये नीचे का पार्ट मैंने सिल दिया है, इस तरह से आ गया है। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया है। तो ये इसी साइज के हमारे ये व्हाइट वाले पीस इसके साइड में आएंगे और इसके साइड में आएंगे। इस लाइन को पूरा हमें सिल देना है, सारे पीसेस हैं, इनको जैसे रखा है उसी तरह हमें सिल देना है। ये लाइन सिल दी है, अब ये लाइन भी इसी तरह सिलेंगे। ये पीस सिल दिए हैं लेकिन यहाँ से छोटा पड़ गया है हमारा, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का लगेगा। तो ये सारे में ये स्ट्रिप्स लगेगी 2.5 इंच की। तो ये मैंने 2 पीस कट किए हैं, दोनों इस साइड लगाएंगे। तो जो भी बाद में हम कट कर लेंगे, जो भी बढ़ेगा, तो इसे हमें इसके साथ सिल देना है और ये इसके साथ सिल देंगे। ये लाइन कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये भी इसी तरह सिलेंगे। ये पीस सिल दिया है, इसके साइड में भी ये हमारा व्हाइट आएगा। तो 2.5 इंच की ये स्ट्रिप्स है, दोनों साइड में लगा देंगे। ये पीस भी सिल दिया है, यहाँ पर ऐसे आएगा। ये 2 पीस है, इनको सिलना है। ये दोनों पीस सिल दिए हैं, ये यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी ये स्ट्रिप्स आएगी, इस तरह से लगाएंगे, दोनों को सिल देंगे। अब देखिए सारी स्ट्रिप्स मैंने सिल दी है, अब इनको हमें इस तरह से सिलना है। तो यहाँ पे हमें पहले बराबर कर लेना है इसे, जैसे ये जॉइंट है यहाँ पे सेंटर है इसका, और ये हमारा प्लेन में लगा है यहाँ पर, तो इसका भी सेंटर ले लेना है, इस तरह से सेंटर ले लेंगे। और अगला पीस है, इसमें 2 हमारे प्लेन आए हैं, तो इसका अपने आप ही सेंटर बन गया है यहाँ पर।
ये है, यहाँ पे प्लेन आया है तो इसका हमें सेंटर ले लेना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं तो एक साइड हमारी छोटी हो जाएगी एक बड़ी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे सेंटर ले लेना है और ये लास्ट स्टेम है, इसका भी हमें सेंटर ले लेना है। अब इन पीसेस को सिलना है, तो सबसे पहले हमें ये पीस सिलना है, तो सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से दोनों लाइनें मैंने पहले लगा ली है निशान, इस तरह यहाँ पे सेंटर मिला के ये सारा ज्वाइन कर देना है। दोनों पीस ज्वाइन हो गए हैं, अब ये दोनों ज्वाइन करने हैं, तो ये सेंटर का ध्यान रखना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सारे पीसेस इसी तरह सिल देंगे। ये सारे पीसेस मैंने ज्वाइन कर दिए, तो इस तरह से बना है हमारा क्रिसमस ट्री। अब यहाँ से बना है हमारा 11 इंच है और इस साइड से हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हमें एक और स्ट्रिप्स लगानी है। ये भी 2.5 इंच की स्ट्रिप्स है, इसे हमें यहाँ पे लगा देना है, तो थोड़ा हमारा लंबा हो जाएगा। यहाँ से ये स्ट्रिप्स मैंने लगा दी है, तो ये हमारा अब थोड़ा और बड़ा हो गया है, 13 इंच हो गया है, तो इस साइड से भी हमें 13 इंच ही लेना है। तो ये मैंने, जैसे आपको बड़ा ट्री बनाना है तो ये मैंने 4 ली हैं, आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, 5-6 जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ से 13 इंच आया है, अब ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से हमें 13 इंच लेना है, तो यहाँ से 6.5 इंच यहाँ से लेना है, ये 6.5 इंच यहाँ आना चाहिए और ये 13 पे मैं निशान लगाऊंगी और इधर लगाएंगे। इसी तरह हम यहाँ से भी 6.5 इंच लेंगे इधर से और इधर से भी, तो हमारा 13 इंच हो जाएगा। इतना एक्स्ट्रा है, यहाँ से सीधी लाइन लगा देनी है और इस साइड में भी ये सीधी लाइन लगा देनी है। इतना भी एक्स्ट्रा है इससे हमें कट कर लेना है। ये भी कट कर लेंगे। अब ये बन गया है हमारा 13 इंच, यहाँ से भी 13 इंच है। ये बन गया हमारा क्रिसमस ट्री। अब ये ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो गया है। जैसे बेडशीट बनानी है आपको, इसी तरह के सेम साइज के ये पीसेस बना लें और आगे आगे ज्वाइन करते जाएं। बीच में ये पट्टी भी दे सकते हैं 2 इंच की, तो और भी हमारा अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह पीस लगाते जाएंगे तो बेडशीट हमारी बनके रेडी हो जाएगी। अगर कुशन कवर बनाना है तो इस साइज का ये कुशन कवर बन जाएगा, इससे बड़ा बनाना है तो यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर की या इस कलर की दोनों की 2-2 इंच की पट्टी दे दे चारों ओर से, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा कुशन कवर बन जाएगा। डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।